नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरगोन अहले सुन्नत वल जमात मदरसा फैजाने बदीउद्दीन जिया उल हक कादरी सुत्तरी की जेर नजर में सालाना जलसा मुकित हुआ, जिसमें मदरसे के 12 बच्चों ने कुराना नजरा मुकम्मल किया। 25 बच्चों ने नातू तकरीर में हिस्सा लिया। मुफ्ती हासिम मिसबाही ने बताया कि इस जलसे का मकसद मुल्ले मुआशरे के अंदर दीनी तालीम में बेदारी लाना है। कुरान मजीद का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम लाना ज़रूरी है। मुफ्ती हासिम मिसबाही ने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए प्रेरित किया। चिश्तिया मस्जिद के इमाम मौलाना कुतुबुद्दीन ने बताया कि हर साल इसी तरह जलसा मुनक़िद किया जाता रहा है और इस साल भी बच्चों का तालीमी मियार का जलसा मुनक़िद किया गया है। सैकड़ों की तादाद के बीच में मदरसे के बच्चों ने एक बेहतरीन जज्बे के साथ अपने हुनर को दिखाया। इस दौरान बच्चों को नजराने भी पेश किए गए। इमाम साहब ने इसके लिए मदरसे के सदर इकबाल खान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिनकी मंथक कोशिश का नतीजा हमारे दरमियान अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। बच्चे कुरान और हदीस की तालीम लेकर बेहतरीन इस्लामी तरबियत के साथ हमारे सामने नाथखानी तकरीर पेश कर रहे हैं। इमाम साहब ने मुफ्ती हासिम मिसबाही और मदरसे के इकबाल खान को इस जलसे की कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम बेपाया है कि आज मदरसा फैज़ान ज़ियाउल हक़ कादरी सुत्तारी का सालाना जलसा जो हर साल मुनक़िद होता है, इस साल भी बच्चों का तालीमी मियार का जलसा मुनक़िद है। और इसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा इस मदरसे के सदर मुहिब गरामी हमदर्द कौम मिल्लत अली जनाब मेरे बड़े भाई अली जनाब इकबाल भाई सदर मदरसा फैज़ान ज़ियाउल हक़ कादरी सुत्तारी को, जिनकी अनथक कोशिश और बेलौस खिदमत का ये नतीजा है कि आज हमारे दरमियान हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे कुरान और हदीस की तालीम लेकर और बेहतरीन इस्लामी तरबियत के साथ हमारे सामने नातखानी तकारीर और दीनी मकालमात पेश कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा मुहिब्बे गरामी साहिबुल फजीलत उम्दतुल मदरसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम रज़ा मिसबाही साहब को, सदर शोबे इफ्ता दारुल क़ज़ा मदरसा फैज़ान हक़ ज़ियाउल हक़ कादरी सुत्तारी को, जिनकी अनथक कोशिश और बेलौस खिदमत का नतीजा है कि आज बच्चों के अंदर जो दीनी बेदारी पैदा हुई, इस्लामी बेदारी पैदा हुई और बच्चे जो आज सैकड़ों के मजमे में खड़े होकर पूरी हिम्मत के साथ, शुजात के साथ, दिलेरी के साथ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं इंतहाई खुश हूं और मसरत व शादमा हूं। मैं दुआगो हूं कि परवरदिगार आलम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस इदारे से मुतालिक तमाम मुहिब्बीन को अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह से हमारे समाज में, हमारे कौम में और हमारी बिरादरी और माशरे में इस तरह से दीनी बेदारी पैदा होती रहे ताकि लोग दुनियादारी और बेहयाई से बचकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए ये रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखरत को ताबनाक फरमाए। कुतुबुद्दीन कादरी सुन्नी अइमा कौंसिल सरपरस्त। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जलसा मदरसा फैज़ान बदीउद्दीन ज़ियाउल हक़ कादरी सुत्तारी में मदरसे के बच्चों का हुआ और ये सालाना जलसा है। इस वक्त 16 बच्चे 12 बच्चों ने कुरान अजीम नाज़रा मुकम्मल किया है और 25 बच्चों ने नातो तकरीर में हिस्सा लिया है।
इस जलसे का मकसद मुस्लिम माशरे के अंदर दीनी तालीम में बेदारी लाना, क्योंकि कुरान अजीम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने से मुसलमान बच्चों के अंदर दीनी जज्बा पैदा होता है, उनको कुरान सीखने का एक जज्बा पैदा होता है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएँ, और दीनी तालीम से दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है और आखरत में भी फ़ायदा मिलता है। मुफ्ती मोहम्मद हाशिम, मदरसा फैजान बदरुद्दीन। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।